हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा निवेशक साथियों का हमारे स्टीनिस चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो आपके लिए न्यूज़ लेकर आए हैं वह आपके कुछ कमेंटों पर आधारित ये न्यूज़ है, क्योंकि तो आप लोगों के हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि सर एग्रो जो लगा हुआ है सहारा की कंपनियों पर, यह कब हटेगा और किस तरीके से भुगतान दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसके संदर्भ में मैंने पहले भी आपको अपनी एक न्यूज़ डाली थी, तो दोस्तों उनके लिए फिर दोबारा से मैं आपको एक न्यूज़ देने जा रहा हूँ जो एम्बाग्रो से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि पहली खबर हमारे पास क्या है। सहारा प्रमुख कहते हैं कि एम्बाग्रो हट जाने के बाद जमाकर्ता का भुगतान मिल जाएगा। उत्तर है कि सेबी का उत्तर है कि जिन जमाकर्ताओं ने समय अवधि पर दस्तावेज प्रेषित किए थे उनका ही मन भुगतान दे रहे हैं, उनका ही हम भुगतान दे रहे हैं। बाकी का पैसा यदि कंपनी ने दिया है तो बैंक का खाता नंबर तथा केवाईसी चेक नंबर उपलब्ध कराएं। जब सभी को पता है कि अधिकांश पैसा क्यू शॉप में परिवर्तित करके बाद स्टार मल्टीपल क्रेडिट कॉपरेटिव के परिवर्तन हो चुका है, फिर कैसे सेबी पैसा वापस देगी। यहाँ दोस्तों अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आगे नंबर दो पर जानकारी है कि कंपनी अभी तक एम्बाग्रो क्यों नहीं हटवा रही है। इसके सवाल में उत्तर है कि एम्बाग्रो कंपनी जानबूझकर नहीं हटवा रही है, क्योंकि कंपनी चाहती है कि उनके 21,000 करोड़ रुपया सारा से भी खाता में जमा कर चुकी है, जबकि कंपनी ने 15,000 करोड़ रुपया ही जमा किया है। ब्याज सहित 21,000 करोड़ रुपया जमा होने का दावा कंपनी करती है। सहारा से भी खाते में 17,400 करोड़ ब्याज सहित 25,781 करोड़ जमा का आदेश था। कंपनी चाहती अभी तक उक्त शेष राशि जमा कर एम्बाग्रो हटवा सकती थी। दोस्तों, यहां कहा जा रहा है कि दावा किया जा रहा है कि सेबी के खाते में 21,000 करोड़ रुपया जमा कर दिया गया, जबकि कंपनी ने 15,000 करोड़ रुपया ही जमा किया है और 21 करोड़ जमा होने का दावा कंपनी करती है। सारा सेबी में 17,400 करोड़ ब्याज सहित यानी कि कुल मिलाकर 25,781 करोड़ जमा का आदेश था। कंपनी चाहती तो पूरा पैसा जमा करके एम्बाग्रो हटवा सकती थी, क्योंकि व्यवसाय का आकलन किया जाए तो उक्त राशि समस्त सहारा कंपनी की शाखाओं का एक माह का व्यवसाय से आपूर्ति कर सकती थी। जी हाँ दोस्तों, इनका कहना है कि अगर सहारा अपनी एम्बाग्रो हटवाता और निवेशकों का पैसा देना चाहते तो ये पूरा पैसा जमा कर सकते थे, लेकिन दोस्तों इन्होंने यहाँ पर जो है ब्याज खत्म कर दिया और शायद है कि मूलधन इन्होंने यहाँ पर जमा किया, जबकि मूलधन और ब्याज सहित 25,781 करोड़ की आज धनराशि जमा करनी थी। तो दोस्तों अभी ने पता है कि मैंने क्यू शॉप और वगैरह वगैरह जो इनकी इकाइयाँ उनमें ये कन्वर्ट कर दिया गया है दोनों इकाइयों का पैसा, तो अब ये चतुराई खेल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये चतुराई ये खेल रहा है कि दुनिया की नज़र में ये दिखा रहे हैं कि और कानून की नज़र में, सुप्रीम कोर्ट की नज़र में धूल झोंक रहा है कि हमने एक पैसा जमा कर दिया, तो ये अपने आप को चिकने घड़े बनकर दिखा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि अंदरूनी अपने फायदे के लिए उन्होंने सेबी के खाते में ये पैसे डाले, क्योंकि सेबी के पास जितने इनके पैसे लेने वालों की संख्या थी वो आ चुकी थी और उसके 6,106 करोड़ ही दे पाए। जी हाँ दोस्तों, 21,000 करोड़ रुपया में से, और या अगर इन्होंने 15,000 करोड़ रुपया जमा कराया, 21,000 रुपया करोड़ तो ये शो कर रहा है, 15,000 करोड़ रुपया जो जमा कराया उसमें केवल 106 करोड़ ही निवेशकों तक पहुंच पाए हैं। अब जो बाकी का पैसा है अब उन्होंने दावा कर दिया है सारा सुभद्रा जी ने कि मेरा जल्दी से मेरा जो बाकी का पड़ा हुआ धन है सेबी के खाते में मुझे लौटाओ। तो दोस्तों ये डबल चाल इन्होंने चली, जबकि सेबी भाग भी जानता है कि पैसा जो है इन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है, लेकिन दोस्तों ऐसे में ये हकीकत यह है कि इस वक्त ये कानून के दांव पेच खेलकर अपने फायदे ज़्यादा देख रहे हैं, अपने हितों को देख रहे हैं और कानून के पड़कच्चों में डालकर निवेशकों को ये दिखा रहे हैं कि अब अगर सेबी को पैसा दिया भी है तो केवल 15,000 बांट ले इसको, ब्याज सहित ना देकर
मूलधन का ही पैसा जमा किया, जबकि 25,000 करोड़ से भी ज्यादा ये यहाँ पर बन रहा था। तो दोस्तों ये कुछ घपलेबाज इस तरीके की है जो निवेशकों के दिमाग में, तो क्या हम लोगों के दिमाग में भी नहीं बैठती कि ये सारा सुब्रत राय किस तरीके के पैंतरे खेलता रहता है निवेशकों के साथ। तो दोस्तों अगर ये न्यूज़ हमारी आपको पसंद आए और आपको जरा भी इस हमारी न्यूज़ पे थोड़ा भी आपको अच्छा लगता